हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल रामचंद ट्यूटोरिंग। प्रीवियसली मैंने अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में आपको बताया था, उसी अकाउंटिंग टर्म्स को मैं इस वीडियो में भी क्या करने वाला हूँ, कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट हम लोग करते हैं अकाउंटिंग टर्म्स। तो आज का अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक क्या होता है, तो स्टॉक को मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको स्टॉक का रिलेटेड कुछ भी क्वेरी ना फेस करना पड़े कभी भी। ठीक है, बताइए तो आप ये कौन है? आप लोगों को तो याद होगा ना, ये कौन है बताइए? हाँ, ये मिस्टर कौन है? जेठा लाल है। याद कीजिए जेठा लाल, बबीता जी याद कीजिए, तारक मेहता, ठीक है ना? तो ये मिस्टर जेठालाल है। ठीक है, पता है ना मिस्टर जेठालाल की क्या शॉप है? मिस्टर जेठालाल का गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है? जड्डा लिख देंगे मैंने, गड्ढा, सॉरी, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या इलेक्ट्रॉनिक्स होगा? गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। मिस्टर जेठालाल के क्या है? गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, पता नहीं इनका एक शॉप है गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स बोल के एक शॉप है। ठीक है, तो मान लीजिए मिस्टर जेठालाल का एक गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, अब मिस्टर जेठालाल क्या डील करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक मोबाइल्स बेचते हैं, टीवीज बेचते हैं, पता ही होगा आपको। तो मान लीजिए मिस्टर जेठालाल के पास पहले से 1000 मोबाइल पीस था। कितना मोबाइल पीस था? मोबाइल का पीसेस कितना था? 1000 पीसेस जेठालाल के पास था। फिर जेठालाल ने किससे? मिस्टर शंभू से जेठालाल ने 500 पीस, कितना पीस? 500 पीस मोबाइल के, और इन्होंने क्या किया? खरीदा। किससे? मिस्टर शंभू से। अब जेठालाल के पास कितना हो गया मोबाइल के पीस? टोटल हो गया 1500 पीसेस। कितना हो गया जेठालाल के पास टोटल मोबाइल के पीसेस? 1500। फिर जेठालाल ने मिस्टर रामलाल को, किसको? राम लाल को, मान लीजिए 200 पीसेस मोबाइल बेच दिए, सेल कर दिए। ठीक है, तो मिस्टर जेठालाल के पास टोटल मोबाइल पीसेस कितना था? 1500, जिसमें से मिस्टर जेठालाल ने कितना पीस? 200 पीस मिस्टर रामलाल को क्या कर दिए? बेच दिए। तो अब कितना हो गया जेठालाल के पास? टोटल 1300 मोबाइल पीस जेठालाल के पास अभी बचा हुआ है। ठीक है, ठीक है, फिर जेठालाल ने और 500 पीस किसी, मान लीजिए किसी शाम को, किसको? सेम नेम का पर्सन को बेच दिया। कितना मोबाइल? 500 पीस। तो कितना था टोटल? 1300 पीस जेठालाल के पास बचा था, उसमें से और 500 इन्होंने सेल कर दिया, तो कितना बचा टोटल? अब हो गया 800 पीसेस। कितना हो गया आपका? 800 पीसेस अब जेठालाल के पास बचा हुआ है। मतलब अब जेठालाल के पास स्टॉक कितना बचा हुआ है? 800 पीसेस ईयर के एंड में, ईयर के एंड में। तो इसी को क्या बोलते हैं पता है हम लोग? स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। अभी आपको बात आई होप क्लियर हो चुका होगा। स्टॉक का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जेठालाल का दुकान है, जेठालाल का मान लीजिए 1000 पीसेस मोबाइल थे स्टार्टिंग में। कितना पीसेस था? 1000 स्टार्टिंग में था। फिर जेठालाल ने और 500 मोबाइल खरीदा, तो जेठालाल के पास टोटल कितना हो गया? 500 पीसेस। फिर जेठालाल ने 200 पीसेस किसी रामलाल को बेच दिया था, अब कितना बचा जेठालाल के पास? 1300। फिर 1300 के पास और किसी 500 सेम नेम के पर्सन को बेच दिए, तो उनके पास अब स्टॉक कितना बचा टोटल? 800। तो इसी को क्या बोलते हैं पता है हम लोग? स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को स्टॉक बोलते हैं। आई होप अब ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि स्टॉक क्या होता है। ठीक है, स्टॉक का मतलब देखिए क्या लिखा है। द टर्म ऑफ स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू, द टर्म ऑफ स्टॉक इंक्लूड्स द दोस सॉरी The term of stock includes the value of those goods which are lying unsold at the end of the accounting period. मतलब जो accounting period के end में हमारे पास बच जाए। मतलब जेठालाल के पास total कितना मोबाइल था starting में? कितना था? 1000 pieces था। फिर जेठालाल ने मिस्टर शंभू से 500 मोबाइल और खरीदा, तो जेठालाल के पास total कितना आ गया? 1500 मोबाइल pieces। फिर जेठालाल ने मिस्टर किसको, मिस्टर कौन थे वो मिस्टर? मिस्टर एक थे मिस्टर सेम, मिस्टर सेम को कितना मोबाइल बेच दिए थे? 500। तो कितना बचा था जेठालाल के पास? टोटल 1000। और एक किसी और पर्सन को बेचे थे 200 पीसेस, तो कितना बचा जेठालाल के पास? 800 पीसेस। कब? ईयर के एंड में, ईयर के
एंड में, ईयर के किस में, एंड में, तो इसी को क्या बोलते हम लोग, स्टॉक बोलते हैं। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है पता है आपको, अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, उसी तरह हमारे अकाउंट्स में पता है हैप्पी न्यू ईयर कब आता है, 1 अप्रैल को हैप्पी न्यू ईयर आता है और खत्म कब होता है, 31 मार्च को। तो जेठालाल के पास 31 मार्च को कितना मोबाइल बचा था, मोबाइल के पीसेस बचा था 800 पीसेस। तो ये जेठालाल के लिए क्या पता है, स्टॉक है। क्या है, स्टॉक है। आई होप अब ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और जो एंड में जेठालाल के पास जो स्टॉक बचा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। देखिए द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में कितना बचा था, 800। तो ये था जेठालाल के लिए क्लोजिंग स्टॉक। और याद कीजिए जेठालाल के पास मैंने बताया था ना 1000 पीस पहले से पड़ा था, तो ये क्या स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक। क्या था, ओपनिंग स्टॉक, मतलब द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक। जैसे कि मान लीजिए 800 ये गुड्स था ना जो अनसोल्ड था, ये तो क्लोजिंग स्टॉक है। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा पता है, ये गुड्स नेक्स्ट ईयर क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा और ये जाएगा क्लोजिंग से क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओपनिंग, मतलब बिगिनिंग में जो गुड्स जेठालाल के पास था वो ओपनिंग स्टॉक, और जो क्लोजिंग में जेठालाल के पास गुड्स बचा था वो क्या था, क्लोजिंग स्टॉक। आई होप अब स्टॉक के बारे में आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। और अकाउंटिंग पीरियड मस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छा से देखिएगा। अकाउंटिंग पीरियड कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या होता है, खत्म हो जाता है, याद रखिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि आपको ये क्या है, स्टॉक क्या है, समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपका डेटर्स क्या है, डेटर्स क्या है, ठीक है, डेटर्स क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटर्स कितने, तो बच्चों को अभी तक डेटर्स के बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं होता है, ठीक है, तो डेटर्स के बारे में अच्छा से समझिएगा। मान लीजिए कहानी ऐसा है, ये मिस्टर क्या थे, बाबूलाल, क्या थे ये मिस्टर बाबूलाल, ठीक है, ये पता है ना, ये टीवी डीलर है, आपको पता है ना जेठालाल क्या है, टीवी के डीलर है, ये बहुत बड़े डीलर है, पता है ना आपको, ये डीलर है, ठीक है। और ये मान लीजिए छोटा मोटा शॉपकीपर है, शॉपकीपर मान लीजिए इनका भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, ठीक है, इनका भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटा मोटा शॉप है, लेकिन ये क्या है, डीलर है, ठीक है ना। जेठालाल बड़े बड़े डील करते थे ना, होटल में 200 टीवी, तो कभी यहाँ कभी वहां, तो याद कीजिएगा, तो जेठालाल क्या है, डीलर है टीवी के, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ पता है, एक दिन आया बाबूलाल मिस्टर जेठालाल के दुकान में आते, बोलते जेठालाल मुझे 200 पीस क्या चाहिए, टीवी चाहिए, कितना 200 पीस क्या चाहिए, टीवी चाहिए, बट ये टीवी का पैसा मैं अभी नहीं 2 मंथ्स बाद दूंगा, ठीक है, टू मंथ्स में बाद पे कर दूंगा आपको। जेठालाल को कौन बोलते हैं, मिस्टर बाबूलाल। आप पता है बाबूलाल कौन है, सुंदरलाल के फ्रेंड है, किसका फ्रेंड है, सुंदरलाल पता है ना आपके, आपको क्या है सुंदरलाल कौन है, पता है ना आपको, सुंदरलाल वही जेठालाल के साले है, पता है ना सुंदरलाल कौन है, ठीक है। तो सुंदरलाल ने अपने फ्रेंड बाबूलाल को जेठालाल के दुकान में भेजा, बोला जाओ मेरे जियाजी के दुकान है, वहां पे जाके तुम उनसे 200 टीवी उधार में या बाकी में ले लेना, ठीक है। तो जेठालाल तब तो कुछ उपाय नहीं है जेठालाल के पास, पता ही आपको, तो जेठालाल इसको क्या कहते हैं, 200 टीवी दे देते, मान के चलिए 200 टीवी दिए टोटल, मान लीजिए 1 टीवी कितना का था, 1000 का, मान के 1000 का टीवी होता नहीं है, चलिए मान लिया 10000 का टीवी था, कितना था 10000 का, 1 टीवी था, तो कितना का टोटल, 1 2 3 कितना का टोटल, कितना का टोटल, 2 लाख रुपीस, कितना हो गया आपका टोटल, 2 लाख रुपीस, सॉरी 20 लाख रुपीस होगा, सॉरी 20 लाख रुपीस होगा टोटल, कितना होगा आपका 20 लाख रुपीस, ठीक है। अभी हो गया आपका कितना, 20 लाख रुपीस टोटल होगा आपका, कितना होगा 20 लाख रुपीस आपका टोटल यहाँ पे हो जाएगा। तो जेठालाल ने बाबूलाल को कितना का टीवी बेचा टोटल, 20 लाख रुपीस का टीवी बेचा, ठीक है। बट पैसा मिस्टर बाबूलाल ने क्या बोला, मैं आपको 2 मंथ्स बाद पैसा पे कर दूँ, ठीक है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा, ठीक है। आफ्टर 2 मंथ्स बाद जेठालाल को, किसको, जेठालाल को मिस्टर बाबूलाल से, जेठालाल को मिस्टर बाबूलाल से पैसा लेना होगा, मतलब दो मंथ्स बाद
जेठालाल नट्टू काका को बोलेंगे, नट्टू काका आप किसको, बाबूलाल को फोन कीजिए और पैसा मांगिए कि 2 मंथ्स क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो जेठालाल को, किसको, जेठालाल को बाबूलाल से पैसा लेना है, जेठालाल को बाबूलाल से पैसा लेना है। जब भी हमको लेना होता है तो जेठालाल के लिए, किसके लिए, जेठालाल के लिए। बाबूलाल क्या है, डेटर है, क्या है, डेटर है। जेठालाल को बाबूलाल से पैसा लेना है तो जेठालाल के लिए बाबूलाल क्या है, डेटर है, क्या है, डेटर है, ठीक है। आई होप आप क्लियर हो चुका होगा कि डेटर क्या होता है। देखिए क्या हुआ है, डेटर टू होम गुड्स एंड सर्विसेज, या तो गुड्स बेचे या तो सर्विसेज बेचे, आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में। याद कीजिए डेटर कभी काम आएगा जब गुड्स को हम लोग क्रेडिट में डील करते हैं तब, ठीक है। आर कॉल्ड डेटर मतलब किसी भी पर्सन को, मान लीजिए किसी भी पर्सन को, ठीक है, जब हम लोग गुड्स बाकी में बेचते हैं, ठीक है, और उससे हमको पैसा लेना होता है तो वो मेरे लिए क्या होता है, डेटर होता है, क्या होता है, डेटर होता है। याद कीजिएगा डेटर्स आर रिलेटेड टू क्रेडिट सेल, हमेशा ये किस में होगा, बाकी वाला में, क्रेडिट सेल में ही होगा, अदरवाइज किसी में नहीं होगा। आई होप अब ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि डेटर क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्रेडिटर क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए देखिए मैं एग्जांपल से इसको समझाता हूं। मान लीजिए ये मिस्टर, ये मिस्टर रवि तेजा है, ये मिस्टर रवि तेजा, बता ना साउथ वाले हीरो मिस्टर रवि तेजा, कौन है, मिस्टर रवि तेजा है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़े टीवी डीलर है, बहुत बड़े टीवी डीलर है। तो जेठालाल ने, किसने, जेठालाल ने, तो जेठालाल इनके साथ बहुत पहले से, जेठालाल इनके बहुत पहले पुराने कस्टमर है, ठीक है, रवि तेजा के बहुत पुराने कस्टमर है जेठालाल। जेठालाल ने रवि, मिस्टर रवि तेजा को बोला, भैया भैया मुझे, हमको मुझे कितना, 1000 पीसेस क्या चाहिए, टीवी चाहिए, बट अभी मैं नहीं दूंगा पैसा, मैं फ्यूचर में दूंगा, मतलब 2 मंथ्स बाद मैं इसका पेमेंट पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। और टीवी का मान लीजिए वैल्यू था 80 लाख रुपीज, कितना था, 80 लाख रुपीज का टोटल टीवी वैल्यू था। तो जेठालाल ने किससे बोला, मिस्टर रवि तेजा से, भाई मुझे अभी टीवी चाहिए, कितना का, 100 पीसेस क्या चाहिए, 100 पीसेस मुझे क्या चाहिए, टीवी चाहिए, ठीक है। और जेठालाल ने रवि तेजा को बोला, मैं इसका पेमेंट कब करूंगा, फ्यूचर में, कब करूंगा, फ्यूचर में, ठीक है। तो जेठालाल के लिए, किसके लिए, जेठालाल के लिए रवि तेजा क्या हमें पता है, क्रेडिटर, मतलब जब हमको किसी को पैसा देना पड़ता है, ठीक है। जेठालाल को, मिस्टर रवि तेजा को अभी पैसा नहीं, फ्यूचर में तो देना पड़ेगा ना टीवी का भी आपने, तो उनको देना है, देना है मतलब क्या है, उन जेठालाल के लिए रवि तेजा क्या पता है, क्रेडिटर है, क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर का डेफिनेशन देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, एंड देखिए मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर, डेटर में क्या था, टू होम गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड ऑन द क्रेडिट आर कॉल्ड डेटर, डेटर आर रिलेटेड टू द क्रेडिट सेल। उसी तरह एंड फ्रॉम होम गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज ऑन क्रेडिट, जब हम लोग किसी से गुड्स एंड सर्विसेज क्रेडिट में परचेज करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, क्रेडिटर होता है, क्या होता है, क्रेडिटर इज रिलेटेड टू द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम लोग किसी से क्रेडिट में सामान खरीदेंगे, ठीक है, तो फ्यूचर में उनको पैसा, पेमेंट हमको करना पड़ेगा। जब हमको किसी को पैसा देना पड़ता है तो मेरे लिए क्या होता है, बताए, क्रेडिटर होता है, क्या होता है, क्रेडिटर होता है। जब हमको किसी से पैसा लेना है तो मेरे लिए क्या होगा, डेटर होगा, क्या होगा, डेटर। हमेशा क्या होता है पता है ना आपको, एसेट होता है, क्योंकि लेना है मतलब क्या है, एसेट है। अब क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी का मतलब क्या, ऑब्लिगेशन टू पे, तो क्रेडिटर का मतलब क्या होगा, देना है, तो मतलब क्रेडिटर क्या होगा पता है आपको, लाइ बिलिटी होता है, क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, ठीक है ना। आप आई होप मैं अब आशा करता हूं कि क्रेडिटर और डेटर में आपको कभी भी डाउट ना आए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होता है, मैं होने वाला आपका बैड डेट क्या होता है।